नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। सीधा रुख करते हैं प्रदेश की अहम खबरों की ओर। खबर है बिहार से, गया इंटर स्कूल के छात्रावास परिसर में घटित हुई रोशन हत्याकांड के 5 दिन बाद गया पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में शामिल 2 युवक शाहवीर कुमार उर्फ प्रेम कुमार को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार युवक शाहवीर कुमार उर्फ प्रेम कुमार इस हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। इस की जानकारी आज गया के वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दरअसल यह घटना 28 जून की, जब एक युवक का शव टेकारी राजा हाई स्कूल गया के परिसर में एक पेड़ से लटके मिला था। युवक की गले दबाकर हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया था। मामला प्रेम प्रसंग का है। वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने आगे क्या कहा जानते हैं। इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर सुरेश निखर की रिपोर्ट। टेकारी थाना अंतर्गत राज टेकारी स्कूल में एक मतलब दिनांक 28 से 24 को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि राज इंटर कॉलेज परिसर में एक लड़का का शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था तथा इस मामले में के त्वरित अनुसंधान के लिए तुरंत वहां पर, जैसे ही सूचना मिली तुरंत वहां पर थाना की टीम को भेजा गया और अन्य वरीय पदाधिकारियों को भी भेजा गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले के उद्भेदन के लिए तथा इसमें जो शामिल अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एडिशनल SP गया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और जिसमें SDPO टेकारी, SHO टेकारी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी शामिल थे। इसमें FSL की टीम को तथा डॉग स्क्वाड की टीम को भी साक्ष्य संकलन के लिए भेजा गया था और हमारे द्वारा भी वहाँ पर जा करके इस पूरे मामले की समीक्षा की गई थी और CCTV फुटेज का भी अवलोकन किया गया था। तो जो भी इसमें अनुसंधान जो SIT के द्वारा किया गया उसके द्वारा यह पाया गया कि इस मामले में एक विधि विरुद्ध बालक का की संलिप्तता है। खास करके जो CCTV फुटेज हमें प्राप्त हुआ था उसके आधार पर, तकनीकी जो अनुसंधान है उसके आधार पर ये पाया गया कि एक विधि विरुद्ध बालक की संलिप्तता है। तो उसको विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया और उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। उसके द्वारा इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई और साथ में उसके निशानदेही पर एक व्यक्ति जिसका नाम है शाहवीर कुमार उर्फ प्रेम कुमार, पिता रामाशीष दास जो कि छावनी टिकारी का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसके पास से भी एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। जो पकड़ाया हुआ अभियुक्त है उससे जब पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि यह मृतक की छोटी बहन को पहले पढ़ाता था और उसके बाद मृतक की बड़ी बहन के साथ इसका संपर्क हुआ था और काफ़ी घनिष्ठता बढ़ गई थी, जिसको लेकर के मृतक के द्वारा उसको गाली गलौज और मारने की धमकी भी दिया गया था। और इसी बीच में मृतक का अन्य स्कूल के कुछ अन्य लड़कों के साथ भी विवाद हुआ था और जिसके बाद यह जो व्यक्ति है इसके द्वारा अन्य लड़कों के साथ प्लानिंग करके इस प्रकार की घटना को 28 से 24 को कारित किया गया है। और किसी को शक न हो इसके लिए उसके शव को बेल्ट में फंदा बना करके छात्रावास में उसको लटका दिया गया था। इस प्रकार से इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी, एक अपराधी की गिरफ्तारी की गई है तथा एक अन्य जो विधि विरुद्ध बालक है उसको निरुद्ध किया गया है। इसमें कुछ अन्य अभी अपराधी अभी भी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है, जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।